हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयू की दुनिया। कैसे आप सब लोग? आए हो अच्छे होंगे। अभी मैं नहा ली हूँ, बस नाक के जलाऊंगी जोत और उसके बाद लग जाऊंगी काम के, क्योंकि आज है संडे। संडे को सबसे बड़ा काम एक सफाई का ही रहता है, पूरे वीक की सफाई जुड़े जुड़े संडे को लगता है कि संडे को कर ले, तो आज करते हैं फिर सफाई। बैठ के गद्दे वद्दे फिर से पहुंचा दिए हैं बाहर धूप लगने के लिए, और दूसरे बेड के भी बाहर कर दिए। तो पहले कर जलाती हूँ जोत, तो उसके बाद करते हैं फिर सफाई स्टार्ट। गाइस, जोत जला दी है और अब लग जाते हैं अपनी सफाई में। तो किचन से स्टार्ट करती हूँ पहले। मैंने वैसे भी थोड़ी पहले की थी, अभी तो मैं नहाई थी, तो नहाई इसलिए थी कि मुझे जोत जलानी थी, नहीं तो मैं सफाई के ही लग रही थी। अभी किचन से ही स्टार्ट करते हैं, वो मैंने छोड़ दी थी, बाद में कमरे वमरे करते हैं फिर। अभी लग गई हूँ किचन की सफाई में। वैसे किचन की सफाई तो मैंने पहले भी कर ली थी नहाने से पहले ही, अधिकतर कर ली थी नहाने से पहले ही, पर उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाना, तो अभी सोचा कि अभी वीडियो बना लेती हूँ। अभी कर रही हूँ पैंट्री को साफ। एक मैंने गीला कपड़ा लिया हुआ है, एक सूखा, गीले कपड़े से पहले करके फिर सूखे से करने लग रही हूँ, क्योंकि अच्छे से जो भी दाग धब्बे इनके लग जाते हैं वो हट जाते हैं फिर, और जो भी सामान मैंने निकाला है इनको भी अच्छे से साफ़ करके ही रख रही हूँ, क्योंकि इनके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है। चाहे हम कितना भी साफ़ करने की कोशिश कर ले, पर धूल मिट्टी तो जब 10-15 दिन हो जाते हैं तो जमा होने ही लग जाती है, इसलिए मैं इनको निकाल निकाल कर गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करके वापस रखने लग रही हूँ। वैसे भी किचन को तो साफ करते ही रहना चाहिए, क्योंकि गंदे से किचन में काम करने का भी मन नहीं करता है जब चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हो, तो इसलिए सारी चीज़ों को सेट करके ही रखना चाहिए साफ़ सुथरा वो भी। और किचन में जो सबसे ज़्यादा गंदी होती है वो होती है हमारी चिमनी। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि हम चिमनी को कैसे साफ़ कर सकते हैं, या मैं अपनी चिमनी को कैसे साफ़ करती हूँ। सबसे पहले एक बाल्टी में एकदम गर्म पानी ले लेना है, बिल्कुल जो एकदम ही गर्म हो खोलता हुआ सा, उसमें इसके दोनों फिल्टर चिमनी के निकाल कर डाल देने हैं। और मार्केट से आता है एक ड्रेनिक्स करके, एक छोटा सा पाउच आता, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, छोटा, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ड्रेनिक्स करके आता है, वो इसमें डाल देना है जिस बाल्टी में चिमनी डाली है। और साथ में हमें 5 मिनट बाद थोड़ा सा सोडा डाल देना, मीठा सोडा जो होता है वो डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डालना है डिश वॉश, कोई भी डिश वॉश हो। अगर आपके पास डिश वॉश नहीं है तो कोई भी डिटर्जेंट पाउडर जो भी है वो डाल सकते हैं। इनको ऐसे ही कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। बीच में अपने जो ये फिल्टर है इनको थोड़ा हिलाते रहना ताकि इनकी गंदगी निकलती रहे। आधे घंटे बाद इन फिल्टर को बाल्टी से बाहर निकाल लेना, और याद रखना है कि पानी थोड़ा गर्म है तो किसी चीज़ से पकड़कर ही निकालने हैं। बाहर निकालने के बाद फिल्टर पर हल्के हल्के हाथ से ब्रश मारनी, और फिल्टर हमारे एकदम से चमक जाएंगे। और जो ये पानी बचा हुआ है बाल्टी में, ये हम अपने सिंक में भी डाल सकते हैं। जैसे कई बार हमारे सिंक की पाइप ब्लॉक हो जाती है, तो इससे बहुत अच्छे से पाइप खुल जाती है, जो पानी हमारा रुकता रहता है वो सारा ही इससे निकल जाता है। तो ऐसे आप भी अपने चिमनी के फिल्टर को घर पर ही बहुत अच्छा क्लीन कर सकते हैं, सर्विस कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छे से क्लीन होगा। और यहाँ पर मैं अभी अपनी चूल्हे को करने लग गई हूँ साफ़। वैसे तो रोज़ कपड़े से साफ़ करती हूँ, पर आज ऐसे इसको विम बार से मांज रही हूँ अच्छे से, क्योंकि कपड़े से भी कई बार साफ़ करते करते ना उतनी साफ़ नहीं हो पाती है, तो ऐसे अब साफ़ कर रही हूँ ना, ऐसे ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा, एकदम चमक जाएगा। ये हमारा पहले का पुराना ही है, ये नहीं है कि कोई नया लिया है। नए वाले तो जो ब्लैक में आते हैं, कांच वाले वो आते हैं, और ये नॉर्मली चूल्हा है। तो इसको साफ़ करने लग रही हूँ अभी। अगर हम ये सोचे कि 10-15 दिन में एक बार किचन को साफ़ कर लेंगे तो किचन साफ़ रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। जब भी हम काम करें, कोई भी डब्बे वगैरह जो भी हमने ड्रॉर से निकाले हैं ना, तो उनको साफ़ करके ही रखना चाहिए एक थोड़े से गीले कपड़े से, क्योंकि उनके अंदर जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो आटा वाटा लग जाता है, हम जिसमें घी डालते हैं उस डब्बे के नीचे भी आटा लग जाता है, तो उनको उसी टाइम अगर साफ़ करके रखेंगे ना तो हमारा किचन साफ़ ही रहेगा और ड्रॉर वगैरह भी साफ़ रहेगी। अगर हम उनको ऐसे ही रख देंगे तो किचन वैसे ही गंदा हो जाना है, क्योंकि उनके नीचे वो जो आटा लगा रहता है वो ड्रॉर में जाएगा, ड्रॉर वैसे ही गंदी हो जाएगी, तो दो दो काम बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा जब काम कर रहे हैं उसी टाइम ही उनको साफ़ करके रख दें। अभी मैं करने लग गई हूँ काउंटर को साफ़, और ये जो हमारा पत्थर है एकदम ब्लैक है,
इस पर थोड़ा सा भी निशान ना अलग दिखाई देता है, एकदम ग्लास की तरह ही है। तो मैंने इस पर पहले लगाया विम बार, फिर एक बार गीले कपड़े से कर रही हूँ, और सूखे कपड़े से भी इसलिए करना पड़ता है, अगर एक निशान रह गया ना तो अलग ही दिखाई देता है, और गिल्ले से करके छोड़ दो तो वो लाइन सी ही दिखाई देती है। इसलिए मैं सूखे कपड़े से भी साथ साथ ही साफ़ करती हूँ। साइड में दिख भी रहा है कि एकदम ये ग्लास की तरह है, तो एक निशान भी रह जाता तो दिखाई तो देगा ही। फिर इससे पहले मैंने फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था, इनकी ड्रॉर वगैरह में से भी सामान निकाल के साफ़ कर दिए थे सारी चीज़ें, तो उस टाइम तो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। एक साइड से काउंटर साफ़ करने के बाद ये साइड में जो ओवन रखा था इसको कर दिया है उसी की जगह पर, और थोड़ा सा इसको ऊपर से और साइड से साफ़ कर रही हूँ। वैसे मैं ओवन को ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, तो ये इतना गंदा भी नहीं होता है, बस कुछ चीज़ें गर्म करने के लिए ही इसका यूज़ करती हूँ। चूल्हा भी जो धोया था तो उसका पानी निकल गया है, एक दो निशान पानी के ऊपर धब्बे से रह गए हैं, उसको सूखे कपड़े से कर रही हूँ, नहीं तो वो पानी के धब्बे अलग ही दिखाई देते हैं। साथ साथ कर दिए तो एकदम चूल्हा भी चमक गया है। और अभी बारी है ये सैंडविच मेकर रखा हुआ है यहाँ पर, तो इस सैंडविच मेकर को भी साफ़ कर देती हूँ। ये यहीं रखा रहता है, जब भी बनाना हो यहीं से उठाओ और बना लो, उठाकर अंदर ही नहीं रखती हूँ। और साथ में ये साइड का काउंटर भी साफ एकदम, और इस वाइट पत्थर का पता है क्या है, काउंटर का कई दिन हो जाते हैं ना तो निशान से होने लग जाते हैं इस पर, जिसके वाइट पत्थर होगा उनको पता भी होगा। तो इसका एक ही ये है कि इस पर विम बार लगाओ गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दो, तो एकदम काउंटर अच्छे से चमक जाएगा, ये जो निशान होते हैं वो भी सारे हट जाएंगे। आप लोगों से बातें करते करते ये मेरे किचन भी हो गया है बहुत अच्छे से क्लीन, सारी चीज़ें चमक गई है हर एक। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।